इकट्ठा है। कौन कहता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार अकेला है, लाखों चाहने वालों का मेला है। लालगंज की सरजमी पर महरूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों और समर्थकों के द्वारा आदरणीय नेता नेत्री हम लोगों के हिना साहब जी का जबरदस्त स्वागत किया। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गोपालगंज में राजद जिला सचिव सचिन सिंह व बहुजन समाज पार्टी के नेता सदमान के द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया हिना साहब को। वहीं गोपालगंज अम्बेडकर चौक पर जब हिना साहब का काफिला पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठहर सा गया है। वहीं हिना साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण भी की। उसके बाद फिर गोपालगंज के उनका काफिला आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन वहीं गोपालगंज राजद पार्टी के जिला सचिव सचिन सिंह से हमने बात की, उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार कौन कहता है कि अकेला है, उनको चाहने वाले का लाखों मेला है। लेकिन सुनिए मीडिया से बात करते हुए सचिन सिंह ने आगे क्या कहा। हिना साहब नेत्री यहाँ माल्यार्पण की और गोपालगंज सिवान और मोतिहारी होते हुए दरभंगा पहुँचेंगी और गोपालगंज सिवान के सारे युवा साथ साथ में जा रहे हैं और ये एक कार्यक्रम मुशायरे में जाने का था तो बीच में इनका माल्यार्पण का एक प्रोग्राम था अम्बेडकर चौक। गोपालगंज की सरजमी पर महरूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों और समर्थकों के द्वारा आदरणीय नेता नेत्री हम लोगों के हिना साहब जी का जबरदस्त स्वागत किया गया है, जो कौमी एकता और मुशायरा में दरभंगा जा रही हैं। गोपालगंज की सरजमी पर हम सभी नौजवान और सभी उनके चाहने वाले इकट्ठा हैं। कौन कहता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार अकेला है, लाखों चाहने वालों का मेला है।